अभी आज या आज तक जो भी तेरी हालत है, जो भी तेरी सिचुएशन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ तू है। और अगर तू बैठा हुआ है सिर्फ इंतजार कर रहा है कि कोई आएगा और तेरी लाइफ बदल देगा, तो तू बेवकूफ है। तू सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है। सिर्फ तेरे पास ये ताकत है कि तू अपनी लाइफ को आगे लेके जा सकता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है। गैरी वी की एक बात बहुत ज्यादा दिल पे लगी मेरे, जो होती है ना कुछ लाइंस जो आपके दिल पे आके लग जाती है किसी इंसान की। उन्होंने बोला था, नोबडी गोना क्राई फॉर यू, तुम्हारे लिए कोई नहीं रोने वाला, उनके पास खुद के आंसू हैं। पता है कुछ लोग इतने ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब मेरे को लगते हैं बस तरी कि जो समझते हैं कि अभी उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, कुछ उनको समझ नहीं आ रहा और उनको पता है कि बिल्कुल गलत जा रहे हैं और कुछ गलत कर रहे हैं, और फिर वो बदलते हैं। किसको बदलते हैं? अपने हालात को नहीं बदलते, वो अपने एक्शंस नहीं बदलते। सबसे पहली चीज वो क्या बदलते हैं ना, वो अपना दिमाग बदलते हैं, वो अपना माइंड सेट बदलते हैं। वो समझते हैं कि आज की डेट में वो क्यों खुश नहीं है, उनकी फैमिली क्यों खुश नहीं है, वो क्या सिचुएशन ऐसी है, और वो मानते हैं कि इस सबके पीछे का कारण जो है ना वो खुद है। मतलब अगर तेरी सिचुएशन सेम ऐसी है ना, तो फिर इस सबकी चीजों की जिम्मेदारी तेरी है। तू ही गलत है, तू ही कुछ गलत कर रहा है। होता है सबके साथ होता है कि यार ये चीज तो मेरे हाथों में ही नहीं है। अगर मेरे घर के बिजली के बिल नहीं भर पा रहे मेरे पापा, या फिर अगर मेरे को खाना नहीं खिला पा रहे मेरे पापा, मेरी स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे मेरे पापा, तो ये मेरी गलती नहीं है। अगर मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरा रूम में एसी नहीं लगा हुआ, अगर मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे घर की लाइट कट गई है, या कुछ भी एक्स वाई जी कुछ भी, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो इस सबकी गलती पेरेंट्स की नहीं है ना, सबकी गलती तेरी है क्योंकि तू पढ़ ही नहीं रहा है। अपनी एक स्टोरी समझाता हूँ जो कि छोटी सक्सेस स्टोरी है। मेरे को अपने आप को बदलना था। एक टाइम था 10th क्लास का, जब हम 10th में थे और हमको स्ट्रीम चूज करनी थी। एक टाइम था जब मैं बैठा हुआ था आसपास और मेरे साइड में मेरे दोस्त बैठे हुए थे और वो सब डिसाइडेड थे। एक को पायलट बनना था, एक को फैशन डिजाइनिंग करनी थी, एक को कहीं जाना था, एक को कुछ करना था, और मैं ब्लैंक था। और मैं सबकी चीज़ें सुन रहा था, सबके प्लान रेडी थे, इसके बाद ये करना, इसके बाद ये कॉलेज, उसके बाद ये, और मेरे को कुछ नहीं पता था, मेरे को समझ ही नहीं आ रही थी। और मेरे को वहाँ पे बैठे क्या फील हो रहा था ना, मतलब लिटरली अगर मैं बताऊँ तो मेरा मन था कि मैं यहाँ से उठ जाऊँ, क्योंकि मेरे को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। शर्मिंदगी इसलिए क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है मैं क्या करना चाहता हूँ। बस मैं उस टाइम में खुश हूँ, मतलब मैं चल रहा है सबको जो है ना ठीक है, मेरे को सुबह उठ के खेलना है, मैं शाम को खेलना है, मेरे को रात को खेलना है, मेरे को उसको नहीं करना, मैं पागल हो गया था। तो वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग थी एक्चुअल में, और उस टाइम पे मेरे को समझ ही नहीं आ रही थी को क्या करना है। और अगर आज की डेट में एट प्रेजेंट अभी मैं उनसे बात करता हूँ ना, तो वो स्ट्रेन हो जाते हैं, मतलब पागल हो जाते हैं, यार तू ये कैसे कर रहा है, तू तीन कंपनियाँ कैसे चल रहा है, तूने इतनी जल्दी ये सब कैसे कर लिया, ये सब जो तू कर रहा है ये हम तो कभी सोच ही नहीं सकते, और अगर सोचते भी हैं तो अभी नहीं, कॉलेज के बाद, मास्टर्स के बाद, या फिर पहले जॉब करेंगे फिर उसके बाद, और तू जॉब क्रिएट कर। तो उस टाइम पे शायद मैंने ये चीज़ समझ ली, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो मैं तेरे को समझा रहा हूँ, वो चीज़ मैंने समझ ली कि हाँ इन सबकी गलतियाँ मेरी हैं। मैं और ऐसा नहीं था ना, मैं शुरू से ऐसा नहीं था, तो फिर कुछ गड़बड़ हुई बीच में जो कि मेरे को ऐसा मैं हो गया, तो मतलब मेरी ही गलती है। और अगर ये सब मेरे को बदलना है तो फिर मेरे को ही बदलना है। आप नहीं बदलोगे, तू नहीं बदलेगा मेरे लिए, क्योंकि मेरे आंसू तू नहीं रोएगा, तेरे पास खुद के जो है। देखो बहुत आसान होता है, जो सिचुएशन है ना उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लो, या फिर उठो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और बदलो उसको जाके। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही नहीं होती, बहुत सारे होते हैं, बस उनको क्या करना होता है ना, उनको बस बातें करनी होती है प्रॉब्लम के बारे में, बस प्रॉब्लम को समझना नहीं होता, प्रॉब्लम उनको क्या करना होता है ना, उनको बस प्रॉब्लम्स की बातें करनी होती है, उनको देखना होता है यार ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, वो बार बार तुम्हें स्टोरी बताएंगे कि यार ये खराब है, ये खराब है, ये गलत कर रहा है, ये मेरे पास ये नहीं है, ये सोर्सेज नहीं है, ये चीज नहीं है अवेलेबल, वो 10 बार गाएंगे तुम्हारा, और वो बार बार गाएंगे। तुम समझ रहे हो चीज को, कोई कुछ नहीं करने वाला तुम्हारे, कोई कुछ नहीं करने वाला, तुम्हें लेनी ही पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ के लिए, लेनी ही पड़ेगी, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अपनी टीम में एनर्जी लानी पड़ेगी, और लीडर्स बनाने पड़ेंगे, और रिक्रूटिंग करनी पड़ेगी, और लीडरशिप बढ़ानी पड़ेगी, और ग्रोथ चाहिए, कोई कुछ नहीं लाने वाला, देखो खुद कर रहा है सब कुछ, और यही सब एक लीडर करता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाता है। और अगर तू नहीं कर रहा तो तू एक क्रिमिनल बन जाएगा, मेरी आइडियोलॉजी है जो कि मैं खुद से बात करके बता रहा हूँ, और मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, तेरे को समझाना चाह रहा हूँ कि तेरे को ये सब समझना है,
तेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी है आज से, अभी से देख क्या गलत है, क्या गलत हो रहा है, क्या गलत कर रहा है, समझ उसको। तेरे को एग्जैक्टली पता है तो किस चीज से डरता है, क्या चीजें तेरी कमजोरियां, तेरे को सब पता है यार। तेरे को डिसीजन लेना पड़ेगा उसको बदलने का, अगर तू बदलना चाहता है। तेरे को पता है क्या चीज है वो जो अलग करनी है, तेरे को पता है क्या चीज है जो गलत हो रही है, तेरे को समझनी है। तो सारे अपने फेयर ओवरकम कर सकता है, सारी परेशानियां हटा सकता है आज से, अभी से। देख तेरे को ना समझना पड़ेगा कि तेरे को अपने आप को रीस्किल करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी स्किल नहीं है जो तू सीख नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है जो अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में, सब कुछ है। एक डिफरेंस मैं बताता हूँ, देखो पेड कोर्स में और यूट्यूब पे ना क्या डिफरेंस होता है। मैंने आज तक कोई भी फॉर्मल चीज नहीं सीखी, मैंने कहीं से भी ढंग से फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, बट मैंने इनफॉर्मल तरीके से उस फॉर्मल से ज्यादा चीजें सीख ली। पता है कैसे? मैंने वो इनफॉर्मल को ना प्रैक्टिस करा, और 3 साल के गैप में अगर आपको कोई चीज सिखा रहे हैं ना, मैं वो 3 साल के गैप में सीख भी रहा हूँ और उसको कर भी रहा हूँ, तो मैं ऑटोमेटिकली उसको 6 साल का कर देता हूँ। आप समझ रहे हो, अगर वो सपोज 3 घंटे की चीजें सीखने की, तो मैं उस 3 घंटे में 6 घंटे का सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको सीख भी रहा हूँ और उसको कर भी रहा हूँ। और यही एक बढ़िया चीज होती है इनफॉर्मल एजुकेशन की, जो मैं बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूँ। और यही चीज ना आपको जॉब के लिए कभी प्रिपेयर नहीं करेगी, मैं जॉब के लिए कभी प्रिपेयर नहीं हो सकता, मैं एक जॉब के लिए बनाई नहीं, क्योंकि मैं जॉब है सबसे पहले क्या मांगते हैं, ग्रेजुएशन में हूँ ही नहीं अभी ग्रेजुएट, बट आई बेट यू मेरे सामने 10 जॉब वालों को ले आओ, मैं उनसे ज्यादा बेटर। देखो बहुत सारी जगह अगर आप टीम में काम कर रहे हैं, या फिर आप किसी और लोगों के साथ काम कर रहे हैं, या अकेले भी काम कर रहे हैं, पर आपके जैसे फैमिली, आपके मामा है, आपके पापा है, या आपकी गर्लफ्रेंड है, या आपका कोई बॉयफ्रेंड कोई भी है, आपके ऊपर ना लोग गिव अप कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप एक ऐसी नीश में जा रहे हो, एक ऐसे एरिया में जा रहे हो जो कि लोगों ने करने से डरते हैं। जैसे सपोज मैं स्कूल के बाद सीधा बिजनेस में खोल गया, और बिजनेस भी छोटा मोटा नहीं, सीधा एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और वो भी बड़े स्टेप पर, और वो सबके बस की बात नहीं है। और यहाँ पे ही लोग गिव अप करना स्टार्ट हो जाते हैं, लोग आपसे हटना स्टार्ट हो जाते हैं, लोग आप पे विश्वास करना बंद कर देते हैं। आज की दुनिया में थोड़ा सा ये अच्छा है, आज की दुनिया में या एट प्रेजेंट थोड़ा और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अब लोग ऑनलाइन आ रहे हैं कोरोना वायरस के टाइम के बाद, और लोग समझ रहे हैं कि हाँ ये स्टार्टअप नाम की कोई चीज़ है, बिजनेस कर सकते हैं स्कूल के बाद भी। पहले नहीं होता था ऐसा, तो पहले ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी। बट आपको सिर्फ एक चीज़ समझनी है कि आपकी सेल्फ वर्थ है, आपके बस की है, तू कर सकता, सिंपल तू कर लेगा। बस देखो सबसे पहले एक चीज़ बदलनी है, तेरा माइंडसेट। तेरे और मेरे में सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंट है, जो इंसान मैं बनना चाहता हूँ फ्यूचर में, जो इंसान तू बनना चाहता है फ्यूचर में, उसके बीच में एक छोटा सा गैप है, वो गैप है स्किल सेट का। अगर मैं मिस्टर अंबानी बनना चाहता हूँ, अगर मैं मिस्टर टाटा बनना चाहता हूँ, या फिर मैं मिस्टर मोदी बनना चाहता हूँ, या फिर तुम अगर विराट कोहली बनना चाहते हो, तुम अगर अंबानी बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, तो उसके बीच में बस तुम्हारे और अंबानी के बीच में, मेरे और मिस्टर मोदी के बीच में सिर्फ एक गैप है, एक स्किल सेट का। वो स्किल सेट के गैप्स सीरीज बाय सीरीज कम होते हैं, वो उसको कवर करना है, उसको हासिल करना है, और बस फिर बस यही है। और फिर तुम बन गए जो तुम बनना चाहते हो, तुम बन गए, तुमने बस ये मान लिया कि ये तुम कर सकते हो, और तुमने अपने दिमाग को इस प्रिपेयर कर दिया ना कि हाँ ये बस मैं कर सकता हूँ, तो फिर उस दिन से तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करना स्टार्ट कर देते हो, उसी दिन से तुम वो करते हो जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। मैं आज के डेट में इतने माइंड ब्लोइंग आइडियाज लेके आते हैं, मतलब कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो कि पता नहीं दुनिया के बाहर के, लिटरली दुनिया के बाहर के। बट वो कैसे होता है ना, वो तुम डेली आइडिया लाते हो ना, तो तुम्हें समझ आ जाता है आइडिया कैसे ला सकते हैं, और फिर तुम्हारे आइडियाज ऐसे आते हैं जो तुम बता भी नहीं सकता ना, मतलब बहुत ज्यादा अमेजिंग आइडियाज। तो वो कैसे होता है, वो प्रैक्टिस से होता है। बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा होता है कि हमें नहीं समझ आता कि यार आगे क्या करना है, आगे बस स्टक हो गए। मेरे को भी समझ आता है यूट्यूब चैनल पे मैं फंस जाता हूँ, मैं फंस जाता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो क्या डालूँ, मैं फंस जाता हूँ कि क्या कॉन्टेंट पीस निकालूँ, मैं फंस जाता हूँ कि क्या टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, मैं फंस जाता हूँ कि वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, यूट्यूब बंद करूँ। और ये डेली होता है, ये हर बार होता है, हर किसी के साथ होता है, चाहे वो आज इस लेवल पे हो या उस लेवल पे हो, ये सबके साथ होता है। और ये कुछ नया नहीं, पर एक ही चीज करनी है, रुकना